आपका क्या सवाल है, आपका क्या सवाल है? ये कूड़ा घर ये दो बने, एक यही डेयरी के साथ में और दूसरा मेट्रो से उतर के आते हैं वो कूड़ा घर। आज इतनी बदबू मारता चलते हैं, यहाँ गाँव का भी पब्लिक निकलती है, सरचा विहार की पब्लिक रहती है, उस पर गाय खड़ी होती हैं, एक्सीडेंट इतने होते हैं, उसका इलाज MCDA ने नहीं किया 7 साल में। जिलानी जी, नहीं मुझे लगता है कि ये बिल्कुल लोकल इशू है और इसको कैसे नहीं हुआ है वो देखना पड़ेगा, क्योंकि आप ये बता रहे हैं कि इनके पॉकेट में कोई खरंजा हट गया, कोई नाली इनके इनके यहाँ उसको उस पर काम नहीं हुआ है, तो वो तो देखना पड़ेगा ना कि अगर इनके पास कोई इस तरह की चीजें आई हैं। न्यूज़पेपर के अंदर ये चीज आई है, ये कटिंग है ना भारत टाइम्स की, और FIR तक दर्ज हुई हुई है। आज भी ये मेन हॉल खुला हुआ है। आपने यहाँ के लोकल अपने रिप्रेजेंटेटिव को अप्रोच किया था? दो मिनट के अंदर आपने अप्रोच किया था उनको? अप्रोच की बात कर रहे हैं आप, न्यूज़पेपर की कटिंग? अरे न्यूज की कटिंग, आप जो मैं सवाल कर रहा हूँ वो बताइए ना कि आपने जो लोकल अप्रोच किया किसे किया था? सुनिए पहले, हम बताइए ना, मैं सुनने के लिए आया हूँ। ये एक मिनट प्लीज सर, एक मिनट, मेरा ये एक्सीडेंट इशू है तो एक मिनट। 8 अक्टूबर को ये मेरा एक्सीडेंट हुआ है सुबह 5:30 बजे। ये नाला है यहाँ पर MCDA का, उसके ऊपर 2 कवर नहीं थे, उसके बाद और जगह पे इस टाइम भी अभी भी कवर नहीं लगे, 1.5 महीना होने वाला है इसको, 8 जगह पे कवर नहीं है, 8 जगह पे ये नाला जा रहा है यहाँ से, अभी आपको दिखा सकता हूँ। आपने कंप्लेन करी है? कंप्लेन करी है सर, कंप्लेन किया पुलिस को भी, MCDA को, उन्होंने भी बोला है, SHO खुद फोटोग्राफ लेके, किन्होंने बोला? पुलिस ने भी बोला, और मैंने आपके पार्षद के पास गए थे आप? यस, मैंने मुनीश को बोला है खुद, उन्होंने क्या जवाब दिया? He came to my house, he has talked to the action, मेरे सामने उन्होंने गुप्ता जी को फोन किया जो action है, अभी तक ये बात को होगा 10 दिन, मेरे सामने जब मनीष ने फोन किया है 10 दिन के बाद भी वो कवर नहीं लगे अभी तक, और पुलिस की ये जो न्यूज़पेपर कटिंग है, न्यूज़पेपर में आ चुका है ये जो मेरा केस है, उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं हुआ। नहीं नहीं, एक्शन होगा, इसने भी कोई एक्शन होगा आपके एक्शन को, आप मुझे ठीक है, अच्छा ठीक है, अभी पीछे आ जाइएगा, कैमरे हैं, प्लीज पीछे आ जाइएगा, ये वायर्स हैं सर, प्लीज आप पीछे आ जाइए, प्लीज प्लीज जवाब दीजिए सर आप, ठीक है। और क्या ये माने कि देखिए अब सरिता विहार जब हम देख पा रहे हैं तो जूही जी आपसे बाद में परिसीमन के बाद कुछ तब्दीलियां हो जाती हैं, 2 सीटें BJP के पास है, 2 आम आदमी पार्टी के पास है, 1 कांग्रेस के पास है, तो ये अलग अलग पार्षद जब हो जाते हैं किसी विधानसभा में तो इसका खामियाजा जनता भुगते क्या?